बहुत कह रही है। राधे श्याम रील देख रहे हो, इधर ढोरून मूंग में चल रहा, ये रील ने आधा वो खराब कर दिया है। रील मत दे क्या राधे श्याम, नहीं तो मूंग की रेल बांध दे वो। राधे श्याम ढोर, राधे श्याम ढोर चरी चरी ढोर बन गो। क्यों राधे श्याम जी ढोर कितना परेशान करते हैं आप, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। अरे ये घाम से पचाते हैं। इनकी खोपड़ी में घाम बैठ गो, घाम पड़ा वो देख लो, खोपड़ी में घाम बैठ गया। बाकी हेलो भाई, मैं विवेक स्वागत करता हूँ एक और नए ब्लॉग में। आज सबसे पहले देखो म्यूजिक सिस्टम लगाया, इसकी तुम प्राइस पूछ रहे हो एक अलग वीडियो में बताऊंगा, लेकिन जब से म्यूजिक सिस्टम लगा मैं सीट पे नहीं बैठ पा रहा, पता नहीं क्यों। और अंगार ओहो गोबर कर दिया, गोबर कर दिया, गोबर 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 वाली जी जी चिल्ला ही रही। भंगार बेचो, चलो भंगार बेचेंगे आप। अब म्यूजिक सिस्टम म्यूजिक सिस्टम लगा रहे तो पैसा खत्म हो गया, तो भंगार बेचेंगे। ये देखो पूरा भंगार बन लिया। ले तुझसे नहीं चल रहे, लग गई हाथ में। ओ हो बहुत लगे, ले तू साइड में बैठ बेटा, मत लगे ले तो क्यों चल रहा है। इसमें चोरी का माल है, चोरी का माल, चोरी का माल ले जा रहे। हमारा दोस्त पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा है। तुमने कहा ये बक्सा डाल लिया तो क्या छोटा ट्रैक्टर का? कौन सा छोटा ट्रैक्टर है? कौन सा छोटा ट्रैक्टर? हम तो जानते ही नहीं, हम तो जानते ही नहीं किसी ट्रैक्टर को। हमारे पास तो एक ही है, ये वाला जिसके पीछे ऐसा लिखा है पाइडियर। तो हमें भी लगाएगा सारा ट्रैक्टर में, और हमें साथ में लगाएंगे अपन। ये वाली देख, दो दो एम चार है, नहीं चार लाएंगे और दोनों ट्रैक्टर में दो दो पीछे बढ़िया सेट कराएंगे मस्त। फिर चलाना मजा आएगा कभी, बस मैं सुन तो नहीं तारक पता ही है। अब भाई इसके अंदर हम करवा रहे हैं सीमेंट लोड। ये ट्रॉली को अभी तो सीमेंट से निकाली थी और वापस सीमेंट लोड करवा ली इसके ऊपर, सीमेंट सीमेंट। बाकी म्यूजिक सिस्टम लगने के बाद तगड़ा लग रहा हूँ। यो देख जो कसो लग रहा हूँ, है नहीं लग रही थोड़ी अलग चीज। हाँ बजा को तो और खतरनाक लगा को, डीजे जैसो धम 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 है नहीं। पंजाबी ट्रैक्टर बन गो, अब एक आध ट्रैक्टर तो होना चाहिए अपना एमपी में पंजाबी ट्रैक्टर। कुरियर वाला भैया बोल रहा था तुम्हारी दुकान है क्या, तुम सामान बुलाते रहते हो। मन का कुछ भी नहीं है अपना, अपने पास तो एक यू खर्चीला ट्रैक्टर है, वो खड़ा सामने वो खड़ा है 735 ओल्ड वेपन और रेड हल्क। ये कुछ ना कुछ खर्चा करवाते रहे। मेरे को वायरिंग करने का भी टाइम नहीं दिया जा रहा, वायरिंग सारी इसकी मतलब ये तो खैर अपन ने लगा दी बट खुली पड़ी है, यहाँ पे आएगा स्विच बोर्ड। अभी डीजल लाना है, काफ़ी सारे काम है वो करना है। एक बार इसकी वॉशिंग हो जाती ना ये बढ़िया चमक जाता, धूल ही धूल हो गया। अब एक नई समस्या सुनो, इसमें एक मोटर रखी थी रात को हमने, वो ख़राब हो गई। अब मोटर को इसके ऊपर लाद के लूँगा मैं, बताओ। ट्रैक्टर निकाला था क्योंकि इसमें डीजल वीजल सारी चीज़ें इसके लिए भी लानी थी, बीच में मोटर खराब हो गई। मैंने कहा चलो इसको भी ले ही चलते हैं। है बढ़िया इसका रिएक्शन तगड़ा, और हमारा दोस्त पता नहीं कहाँ से आ गया। यहाँ वेल्डिंग कराने रुके थे, फिर देखा तो उसमें वेल्डिंग की जरूरत नहीं थी, पूरा थ्रेड है। मतलब जमुरे हम देखते नहीं करते और बोले चाहे जो चीज़ में वेल्डिंग ठोक दो ना, वेल्डिंग ठोक दो। चले चालू चल प्रधान, बिना डीजे के चल ही नहीं रही हो। इतना हैवी सिस्टम होने के बाद देखो इसकी चार्जिंग कितनी फास्ट है, मीटर को उधर टेक दिया। अगर इतनी फास्ट चार्जिंग नहीं होती ना तो ये चालू ही नहीं होता, लेकिन इसका अल्टरनेटर अपन ने करवाया तो वो बढ़िया चार्ज कर रहा।
एक कोई सा पॉइंट पे रोक दीजो, एक है क्या चीज बोल दिया, हो गया आपने एक काम और करवा। तो पंजाबियों का टैंक आता ना वो वाला डीजल वाला, तो वो ड्रम है तो 250 लीटर। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अब खोलते हैं भाई इस रेड हिल की ट्रॉली और इसमें पानी पूनी भरा है, तो अपन ने इसको अपने ना कल्टीवेटर पे चला के देखा, मतलब किसी भी इम्प्लीमेंट पे नहीं चला के देखा, सिर्फ ट्रॉली पे ही चल रहा। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस प्लाउ पे इसकी टेस्टिंग कर ली जाए, ये वाला जो खेत दिख रहा इतना किया जाए, क्योंकि ट्रैक्टर लगता बड़ा प्यारा है यार। अब देखो खतरनाक सा, इस पर बैठा हुआ आदमी अब जचता है कि हाँ यार किसी चीज़ पर बैठा है। खोल दे, खोलने भी मैं ही हूँ। ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे, नीचे की नीचे, तो घूमगा इधर घुमा उधर घुमा के, ऐसा नहीं होता, घूमता ही नहीं शायद। फंसा दिया भाई अपने उमिया के पल्लू को और नली नुली लगा दिया। अब एक बार खेत में उतार के इसको भाई थोड़ा सेट करके देखता हूँ कैसे क्या चल रहा, फिर इसके पीछे ऑयल डालना पड़ेगा। पता नहीं अपना ट्रैक्टर, दोनों ट्रैक्टरों में इतना ऑयल लगता है पीछे, पता नहीं कहाँ कहाँ गिरा देते हैं। जैसे अपन ट्रॉली बार बार फंसाते हैं ना, ट्रॉली प्लाऊ इसमें गिर जाता है और कहाँ जाएगा, बाकी लीकेजिंग तो है ही नहीं, गिरता वहीं से है वो। ये चल रही है खेत में और आप देखते हैं टेस्टिंग करके। आज तो मौसम भी काफ़ी ख़राब हो गया, कल भी हुआ था आज भी हो गया, तो ट्रैक्टर में पानी भरने से आगे से इतना उठने लगा बहुत ज़्यादा। पानी भरने के बाद पहली बार टेस्टिंग प्लो पे, देखते हैं कैसी क्या ताकत मारता है। अरे स्लिपिंग तो है ही नहीं बिल्कुल भी, बहुत कम। ये कह रही है जड़ी जड़ निकल रही, थोड़ा और गहरा कर नहीं, बढ़िया। बहुत बह रही है, पानी भरने के बाद आगे से तो ज़्यादा उठ रहा है लेकिन ताकत ज़्यादा कर रहा है, स्लिप कम मार रहा है और गहरे ही अच्छी लग रहा है। ये मिट्टी इतनी हार्ड है भाई, इतनी हार्ड मत पूछो, इसके जो कलर है ना उससे आप देख सकते हो, दिख रहा है कलर देखो इसका। वो खुद कह रही कि मैं इतनी हार्ड हूँ कि मत पूछो, मतलब ऐसे छोटे मोटे ट्रैक्टरों में जैसे 14 के टायर और पानी नहीं है ना, तो भाई साहब ये मिट्टी में सरकना मुश्किल हो जाए, इतनी हार्ड मिट्टी है। और हमने इसको हार्ड कर ली, मतलब ऐसे कर ली कि इसको अब तक प्लो कर देना था, लेकिन धूप इतनी पड़ रही है और अपन ने इसको किया नहीं, क्योंकि अपने पास रेड हल था, अपन ने सोचा कि वो कर देगा और वो कर रहा है बेचारा, लो पलटा लिया पलटा लिया। ये लो, खेती में जब चलता है ना तो चीज़ें ऐसी हो जाती है। देखो बार लाइट की हाल देख रहे हो, पता नहीं ये मिट्टी में लगी होगी, हमारे यहाँ की मिट्टी भी, यो देखो अगर ये मार दूँ ना ट्रैक्टर के 100 पे तो भाई 100 नवा देगी, देख रहे हो कितनी भारी है। तो इसलिए अपन इसमें ज़्यादातर चीज़ नहीं लगाते। अभी बहुत सारे बोल रहे थे भाई इसमें 4 स्पीकर मतलब 2 सबवूफर और लगाना था, भाई मैं प्लाउ चलाता तो पीछे देखता कैसे, लेकिन तुम नहीं समझ सकते वो बात को और मैं समझाऊँ भी कैसे, बाकी इसको खोल के रखना पड़ेगा नहीं तो टूट जाएगी। अच्छा बजरा झका झक देख लो, पब्लिक को फुल मजा आ रहा, फुल एंड फुल फुल। ये इतना सा टुकड़ा है छोटा सा, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको मैंने आधा कर दिया, आधा और करना है।
और फिर अपने को एक खेत और है उसमें भी करना है। इतना हार्ड है कि इसमें अच्छा पानी भरवा लिया, नहीं तो इसका टायर तो ख़त्म कर देता है ये खेत। अभी और खेत भी है उसको भी करेंगे, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा है तो अपने को उसमें लग जाएगा पूरा एक दिन या फिर एक रात। एक दिन और एक रात भी लग सकती है क्योंकि खेत हार्ड हो गए। भाई ये तो इतनी हार्ड मिट्टी में और लो में भी चल रहा है, मैं सोच रहा था कि यो नहीं चल पाएगा, लेकिन ये कह रहा मेरा नाम रेड हिल के, देखो कोई फर्क नहीं, और गहराई भी वही है, मतलब गहराई भी सेम है, इसलिए मैं फोर लोनी लगा रहा था। मैंने कहा यो नहीं चलेगा, लेकिन ये कह रहा नहीं मैं तो मानू ही नहीं। मैंने कहा नहीं माने तो चल भाई। हमारे यहाँ पे ये वाली केनोपी ज़्यादातर क्यों नहीं डलाते, ये देखो हमारे यहाँ पेड़ भी तो बहुत हैं। अभी यो है ना इसकी ऐसी तैसी कर देगा, जैसे ये दोनों लाइटों की करी इसने, एक वहाँ तोड़ दिया, ऐसा है। क्यों तो भैया खेत कितना हार्ड है, वो तो अभी अभी चार लोम चल रही, नहीं तो तीन लोम हमारा पहले लगे तो फोर लोम नहीं चला गया, लेकिन वो तो बहुत भग रहो बढ़िया चल रहो, मार रहो स्लिप बिना पानी को तो भयंकर स्लिप मार दो। एक तो हमारे ट्रैक्टर में भाई पीछे कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, वो हमें करनी पड़ेगी। और देखो गहराई कोई कम है क्या, ये देखो यहाँ से इतनी इतनी गहरी, अगर ऊपर पैर रखूँ ना इतना नीचे, हार्ड मिट्टी में फंसा के चला रहा। और तुम रेड हल्क से क्या लोगे, जबकि अपना रेड हल्क है 13 साल पुराना, 11 मॉडल तो है। ये लपक के गाना चलाएगा और अब मैं आपको नीचे से इसका व्यू दिखाऊंगा कैसे भाग रहा है। यू पीछे लाइट होती तो मजा आ जाती। धम धम फील कर पा रहे हो, इसमें आगे वेट बढ़ाना पड़ेगा यार, जो आगे से उठ उठ के चल रहा है, आगे वजन कम है पीछे तो काफी वेट हो गया। एक तो जो अपना प्लग है ये भी, इसमें दो वेराइटी आती है, एक 5 क्विंटल एक 5.5 क्विंटल। मतलब अगर आपका 50 HP का ट्रैक्टर है उसमें 16 के टायर है तो आप 5 क्विंटल वाला लो, अगर आपका 60 HP तक है तो भाई आप 5.5 क्विंटल लो, लेकिन हमारा ट्रैक्टर मात्र है 52 HP का स्वराज 855, उसके पीछे अपन ने 5.5 क्विंटल फंसा दिया क्योंकि इसके बम्पर पर रेड हल्क लिखा है ना, इसलिए मैंने खींच लेगा 5.5 क्विंटल। और खींच भी रहा, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं, मतलब चला सकते हो क्योंकि मेरे यहाँ तो मिट्टी हार्ड है, जहाँ पे नरम मिट्टी है वहाँ तो और पैरा चलेगा। ये इस स्पीकर की भाई खासियत ये है कि पीछे इसमें ज़्यादा आवाज़ नहीं आती, लेकिन जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ ना, पता नहीं मोबाइल में देखो सुनाई कि नहीं, क्लियर साउंड आता है, मतलब ऐसा लगता है कि भाई हाँ कोई चीज़ लगी, धम धम और क्लियर। मतलब अगर आपको चिल्लाने वाला चाहिए ना जिसकी आवाज़ ऐसे लाउड इधर उधर जाएगी, तो भाई ये आपके मेरे हिसाब से काम की चीज़ नहीं, आपको वही देसी स्पीकर लगाने चाहिए जिसमें पीछे की साइड भी होते ना, तो भाई पीछे आवाज़ मारेगा। यो मतलब खुद के सुनने के लिए बहुत बेस्ट है, वैसे वाइब्रेशन तो इसमें तगड़ा है, वाइब्रेशन में तो मेरे हिसाब से वो देसी स्पीकर आपको कभी इतना नहीं दे सकता, लेकिन चिल्लाने वाली चीज़ कम है इसके अंदर। ये देखो वजन डालना पड़ेगा भाई, ये पीछे से बहुत ज़्यादा भारी हो गया अब, क्योंकि दोनों टायरों में फुल पानी, 5.5 क्विंटल का प्लव और ये म्यूजिक सिस्टम, और आगे बेचारा हल्का भाई सांप बना दिया। ये देखो इन तो आड़ो नहीं था प्रधान, मैं भी चल ही रहो तो, और पता नहीं तूने लाल लीवर का तो नहीं कहीं करे हो, नहीं है बिल्कुल, नहीं आगे से उठ उठ के चल रहा है वो, इतना भी वजन कम थोड़ी ही है, ये गाने का चक्कर भैया, इसको समझ नहीं बैठ रही। पर यार उधर धम को सही पड़ा, धम धम धम। The next day, next morning, और कल हमने इसमें भाई साहब यो फंसा लिया, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसकी बैटरी चार्ज होगी तो म्यूजिक सिस्टम और तगड़ा बज रहा है, ऐसे तो बैटरी नहीं थी अपनी, लेकिन फिर भी ऐसा लगा, हो सकता है ये हमारा बहम हो, क्योंकि हमें बहम भी तो बहुत हो जाए। बाकी बहुत से भाई पूछ रहे थे कि इसका टोटल प्राइस बताओ, मतलब A to Z खर्चा, तो वो मैंने अभी जोड़ा नहीं, मैं एक एक चीज़ मतलब जो इसमें नट लगे ना वो भी आपको जोड़ के फिर बताऊंगा, फिर पता चलेगा अपने को कि भाई कितना कितने रुपए लगे, एक एक चीज़ जोड़ के समथिंग 50 समथिंग है, लेकिन मैंने ऐसा जोड़ा नहीं, अब अलग अलग जोड़ के फिर मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी मेरे को वेल्डिंग वाले भाई को पैसा भी देना है, उनसे मैंने पैसे की बात नहीं करी कि कितने रुपये लग गए, तो वो सारी चीज़ें करके फिर आपको बताऊँगा। बाकी पीछे से अगर आप इसका वो देखोगे लुक तो कुछ इस तरह से लगता है पीछे से, मतलब बढ़िया फिटिंग हो गई है, सच कोई दिक्कत है नहीं। बाकी आज के इस ब्लॉग में था इतना ही, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय राम जी की, लाइक करना ना भूलें।